चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी से एक बार याद दिलाते हैं, प्रीवियस क्लास में हम क्या बताए थे, मूल मुद्दे की बात ये बताए थे कि जब मान लो कुछ जर्म सेल गए मियोसिस करने के लिए गैमेटोजेनेसिस के दौरान, तो अगर उस जर्म सेल में से किसी में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा। अभी हम गेमिट की बात कर रहे हैं, जायगोट की छोड़ो, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और पता है ऐसे ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन का चक्कर है क्या, जो क्रोमोसोम पर अरेंजमेंट ऑफ जीन है दैट इज कॉम्बिनेशन। तो अगर जैसा पेरेंट के सेल में दो क्रोमोसोम में अरेंजमेंट है, अगर जो गेमिट बना उसमें एक क्रोमोसोम होगा नो डाउट, तो उसमें अगर पेरेंट के जैसा ही, पेरेंट के पास दो दो हुआ है अरेंजमेंट, अगर जो गेमिट बना उसमें जो एक क्रोमोसोम है, तो उस क्रोमोसोम में अगर इस पेरेंट में से दो दो कॉम्बिनेशन है पेरेंट के पास, दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग अलग है अगर हेटरोजाइगस कंडीशन में, तो होमोजाइगस है तब तो एक ही टाइप के कॉम्बिनेशन पेरेंट के पास किए, तो इन दोनों में से कोई भी अगर कॉम्बिनेशन गेमिट में है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का गेमिट है। जैसे कि मैं केस का एग्जांपल ले देता हूं, सपोज करो ये चल रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी चल रहा है, तो भाई तो गेमिट तो एक ही प्रकार का बनेगा, सारे गेमिट के अंदर क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ पे सुनना, इस केस में इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा तो ये वो केस है जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा, इवन सारे सेल में हो जाए तो भी ये कंप्लीट लिंकेज की तरह बिहेव करेगा, रीजन वैसा ही होगा। वो अलग बात है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, वो अलग बात है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन गैमेट तो सारे कैपिटल कैपिटल बी वाले ही बनेंगे, क्यों बनेंगे, होमोजाइगस कंडीशन है पेरेंट के पास। मगर हाँ, जब हेटरोजाइगस था कैपिटल स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, इस टाइप से क्रोमोसोम था, तो अगर ऐसा है कैपिटल स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस टाइप में यह एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ और यह एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ। अगर किसी भी गैमेट के अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी आया या स्मॉल बी आया तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अगर क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा कब होगा, केवल यही आएगा, ऐसा कब होगा बता, कोई मतलब कि सारे के सारे सेल गए मियोसिस करने के लिए जन्म सेल के दौरान और बहुत सारे गैमेट बने, तो कुछ गैमेट में इस टाइप का जीनोटाइप आया और एक सेल जो बनाया होगा, एक जन्म सेल जो गैमेट बनाया होगा, दो को बनाया होगा इस टाइप का, दो को बनाया होगा इस टाइप का, ये दोनों ही पेरेंटल है, और इसमें जितने भी जन्म सेल ने बनाया होगा सभी ने दो इस टाइप का, सभी दो ने इस टाइप का, यानी कि क्रोमोसोम ओवर एब्सेंट है, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। एक बात तो ये किए थे। दूसरा बात हमने क्या किया था कि यदि मान ले रहा क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जरूरी नहीं है सब में हो जाए, सारे जर्म सेल जो गए, मान लो कि यहाँ पे 5 जर्म सेल गए, तो हमने कहा कि हो सकता है किसी में बिल्कुल ना हो और किसी में हो सकता है सभी में ना हो, तो किसी में हो तो उस कंडीशन में क्या बताए थे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आएगा, इस बात को तो हम डायग्राम से प्रूव भी किए थे। और एक हो सकता है कि जो जो जर्म सेल गए सब में हो गया, क्या सब में हो गया क्रॉसिंग ओवर, तो कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे 50% और कुछ रिकॉम्बिनेंट आएंगे 50%, अरे रिकॉम्बिनेंट 50% से अधिक नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है रिकॉम्बिनेंट का, क्यों नहीं आएगा, अरे भाई ये क्रोमोसोम थे याद करो, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें केवल पास पास वाले क्रोमेटिन के बीच में एक्सचेंज होता है, तो अगर इन दोनों में एक्सचेंज हो भी गया तो ये और ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, ये तो अभी भी पेरेंटल रहेगा, तो कारण पूछेगा कोई कि 50% ही रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम क्यों है, तो तुम बोलोगे कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ नियर बाय वाले क्रोमेटिन के बगल में होता है, नियर बाय मतलब कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमेटिन है जो पास पास वाले सिर्फ उसमें होता है, और जो दूर दूर वाले है उसमें आपस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन ही नहीं सकता, तो जब बन ही नहीं सकता तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, और जब उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो फिर वहां से रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा ना, फिर तो इससे पेरेंटल आएगा और इससे पेरेंटल आएगा और इससे रिकॉम्बिनेंट आएगा, इससे रिकॉम्बिनेंट आएगा, और अगर ऐसा हो गया इससे पेरेंटल आएगा, अगर सारे सेल ने ऐसा कर दिया तो 50% क्या आ जाएगा पेरेंटल और 50% क्या आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट, ऐसा मैक्सिमम केस में, और ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, ये भी इनकम्प्लीट लिंकेज है, और ये जो अभी बताया था ये कम्प्लीट लिंकेज है, बोलो यही पढ़ाए थे ना हम अब तक, यही पढ़ाए थे, आज एक लाइन लिख रहे हैं ठीक है, और सोच के बताना है क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, दिमाग लगाना पहले अपना ब्रेन लगाना, और याद करो और मैं बता दूं आपको कि ये आपको नोट्स में ऐड करना है, ये जो मैं अभी लाइन बोल रहा हूँ पहले समझा देता हूँ पूरा ठीक है, चलो एक लाइन लिख रहा हूँ, क्या देखना मैं लाइन क्या लिख रहा हूँ,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनकम्प्लीट लिंकेज, लेकिन तुम लोग फुल फॉर्म लिखोगे। मैंने लिखा आईसील मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज। ऐसा कब होगा? क्या ऐसा होगा भी? सोच के बताना, पहले ईरान बताओ। इनकम्प्लीट सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आई एल नहीं आई ए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इनकम्प्लीट लिंकेज का रिजल्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा होगा कभी? सर ये दोनों तो अलग अलग चीज है ना। हाँ अलग अलग चीज है, मैंने रिजल्ट का बात कहा है, चीज तो अलग अलग है। हाँ सर जब होमोजाइगस वाला ही रहेगा तब हो सकता है। होमोजाइगस रहेगा तब तुम इनकम्प्लीट क्यों, कंप्लीट ही बोल दो उसको कि इनकम्प्लीट लिंकेज का कंप्लीट लिंकेज की तरह दिख रहा है, और उस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। अब मैं बताता हूं ऐसा कब होगा। इफ क्रॉसिंग ओवर इज, ऐसा बोलो इफ को बता रहा हूं, ऐसे बोलो इफ चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मैक्सिमम, दैट इज क्रॉसिंग ओवर विल अकर इन ऑल द जर्म सेल अंडरगोइंग मियोसिस। हम ये बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ डिजायर्ड जीन। हम जिस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन के बारे में बात कर रहे हैं, डिजायर्ड DISDISIRD डिजायर्ड टू अलीलिक पेयर ऑफ जीन। अब ये टू अलीलिक पेयर ऑफ जीन देखते हैं कौन कहाँ है। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केस में टू डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हो सकता है वो इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हो, ये भी हो सकता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, बस ये तुम्हारा हेडिंग डलेगा नोट्स में, ये हेडिंग देगा स्क्रीनशॉट लो जल्दी, हेडिंग यही डलेगा। और ऐसा कब होगा अभी तुम हम करके दिखाते हैं, तुम्हारे दिमाग में तन बदन में आग लग जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ले लिए, चलो Yes, देखो sir. देखो होगा क्या। हमने क्या बोला कि इधर मैंने एक टेबल बनाया, चलो एक टेबल बनाया, और अब मैं ले रहा हूं सेल। पहले लिख लेता हूं मैं कि ये कौन सा केस है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। तो तुम भी इधर ऊपर में क्या लिखोगे, इनकम्प्लीट लिंकेज फुल फॉर्म लिखोगे तुम लोग, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। फिर इसके नीचे तुम लोग क्या लिखोगे बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा है, इसके नीचे सेम लाइन लिखोगे, मैं बता रहा हूँ क्या ऐसे लिखोगे, डिजायर्ड टू अलीलिक पेयर जीन, टू अलीलिक पेयर्स जीन present on same chromosome, that is single pair of homologous chromosome, okay। और फिर इसका continue करो, present on same chromosome,
एंड चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मैक्सिमम, दैट इज क्रॉसिंग ओवर विल अकर इन ऑल द जर्म सेल undergoing meiosis, undergoing meiosis with respect of किसमें क्रॉसिंग ओवर की हम बात कर रहे हैं, जो हमने डिजायर जीन, अच्छा बता एक क्रोमोसोम पे टोन पे हमने उसको फिर क्या दो ही पेयर जीन होता है, बहुत सारा होता है, हम इस दोनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट क्रॉसिंग ओवर विद रेस्पेक्ट ऑफ डिजायर्ड विद रेस्पेक्ट ऑफ डिजायर्ड टू एलीलिक पेयर्स जीन। ऊपर में पहले मेंशन कर दिया है कि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, यहां पर क्या लिखोगे डिजायर्ड टू एलीलिक पेयर्स जीन प्रेजेंट ऑन टू सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। To separate homologous pair of chromosome and यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ तो chances है नहीं, and ऐसे लिखो and both allelic pair gene segregate independently during gamete formation, ऐसा लिखोगे लिखोगे क्या समझ में आ गया ना, लिखना क्या है बस, मैं अगर जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं कि इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में मैं जो दो पेयर एलीलिक जीन की बात कर रहा हूं वो सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर है, मींस मैं ये कह रहा हूं कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी पर वो जीन है, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इनकम्प्लीट लिंकेज की केस की मैं बात कर रहा हूं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर है, और मैं उस केस की बात कर रहा हूं क्रॉसिंग ओवर में जब जितने भी जर्म सेल गए उन सभी में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना है, ये तो एक केस इधर इनकम्प्लीट लिंकेज का, उधर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन से केस की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखिए कैसे होता है, क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब टू सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, देखो ये और ये, अगर मान लो मैंने ये वाला केस लिया यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी यहां है, तो फिर मैं इतना पक्का पता है कि मैंने बोला था कि टू पेयर ऑफ होमोलोगस टू पेयर ऑफ एलीलिक जीन, मतलब कि एक डिफरेंट पेयर आपस में या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा या तो लिंकेज शो करेगा, तो मैं अब कैपिटल बी अगर यहां लिख दिया तो मैं अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख रहा हूं तो ए का बी के साथ तो नहीं देखूंगा, मैं ए का सी के साथ तो देख सकता हूं ना, ये भी अपने आप में पेयर है, ये भी अपने आप में पेयर है, ये अपने आप में एलीलिक पेयर है, ये अपने आप में एलीलिक पेयर है, इसलिए मैंने यहां बोला है टू डिजायर्ड टू एलीलिक पेयर जीन, तो यहां पे मेरा जो टू एलीलिक पेयर जीन है इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख लेता हूं ए एंड सी, और यहां पे मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में ए एंड बी, मेरा डिजायर जीन अलग अलग स्टडी में अलग अलग है, तो यहां पे मैंने ए और सी के बीच में देखना है, यहां पे मैंने ए और बी के बीच में देखना, फिर भी देखना रिजल्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट का मतलब रेशियो लो लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, नहीं तो तुम बाद में डाउट लेके आओगे मेरे पास, मतलब रेशियो, और रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक होता है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, ये हाँ कैरेक्टर अलग होगा भाई, जब जीन अलग अलग है तो कैरेक्टर अलग ही होगा ना, मैं रेशियो पहले बोल रहा हूँ ना, ठीक है हाँ, तो ये केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, ये अपना लिंकेज शो करके करेगा, और इस केस में मैं कह रहा हूँ जो रिजल्ट इधर आने वाला है वही रिजल्ट इधर आने वाला है, तो आइए अब आपके सामने बना के दिखाते हैं ऐसा कैसे होगा, चलिए अब आपके सामने मैंने क्या बोला कि एक सेल है, चलिए इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट लिंकेज शो करने जा रहा है,
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सारा स्टेप पूरा दे रहा हूँ, मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला कि ये वो हो रहा है, अब आपको उतना समझना पड़ेगा, उतना मैच्योर आप हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो मैंने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया है, एक ही पेयर के अंदर मैंने बात करी है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, और मैंने यहाँ जो बात की है, एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम ये रहा और एक दूसरा पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ रहा, अब मैं अगर जीन की बात करूंगा तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी है, अब अगर वही क्रोमोसोम को मैं इधर भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, लेकिन यहाँ पर मेरा जो डिजायर्ड जीन है स्टडी पर्पज से वो इधर मेरा कुछ और है, कैपिटल सी स्मॉल सी है, बात क्लियर है, समझ में आ गया। इधर मेरा स्टडी किसके बीच में हो रहा है, ए एंड बी के बीच में हो रहा है स्टडी, इधर मेरा स्टडी किसके बीच में हो रहा है, ए एंड सी के बीच में हो रहा है, तो इधर मेरा ये दोनों है डिजायर्ड जीन, इधर मेरा ये दोनों है डिजायर्ड जीन, क्योंकि हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टडी करना है इधर। अब हम देखते हैं फाइनली क्या होता है गैमेट बनने में क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर ये इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है तो आप जानते हो कि इनकम्प्लीट लिंकेज के केस के बीच में यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है तो तुमको पता है कि ये जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल चार टाइप के गैमेट बनाएगा यार, फोर टाइप्स गैमेट्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, फोर टाइप्स गैमेट्स, और मैंने ये भी बोला है कि क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम है, तो पहले तो चार टाइप के कौन कौन है ये बता लो, जो दो चार टाइप गैमेट, सॉरी चार टाइप गैमेट, अब कैसे बनेगा चार टाइप गैमेट, आपको पता है कि ये वाला जो क्रोमेटिड है अपना डबल करेगा स्टेज में, वो सब पता है ये डबल करेगा, तो जो दूर दूर वाले होंगे वो तो इस टाइप के गैमेट लेके आ जाएंगे, कैसे वाला कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, इधर वाले भी स्मॉल स्मॉल बी वाला, जो दूर दूर वाले क्रोमेटिड जो पास पास वाले हम लोग पेयर ऑफ क्रोमोसोम में है वो पास पास वाले एक्सचेंज करेंगे, तो उसकी वजह से कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी आ जाएगा इधर, इधर कैपिटल बी और स्मॉल बी आ जाएगा इधर, और ये क्रोमोसोम पर लोकेटेड रहेगा इस तरीके से, अरे सॉरी सॉरी कैपिटल ए सॉरी 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 कैपिटल ए, ठीक है, और ये इस तरीके से रहेगा गैमेट के अंदर, ठीक है, ये इस तरीके से गैमेट के अंदर रहेगा, और ये चार टाइप के गैमेट है, और आप बात करोगे कि चार टाइप के हैप्लॉइड गैमेट है और क्या है, गैमेट हैप्लॉइड होता ही है, ये चार गैमेट है, ठीक है। अगर इसमें बात करोगे कौन पैरेंटल है कौन क्या है, तो तुम बता दो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। अगर बात करोगे यहाँ पर तो हमने अगर ऐसा कह दिया कि बता जल्दी से ईरान तुम बताओ, हमने अगर ऐसा कह दिया क्रॉसिंग ओवर सभी में हो रहा होगा सारे जर्म सेल में, तो बताओ इस वाले पैरेंटल कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप को लेकर कितने गैमेट बने होंगे, कितना परसेंट, 25% और ये भी 25 क्योंकि पैरेंटल कॉम्बिनेशन 50% है, तो हमने कहा ना दोनों मिला के पैरेंटल होते हैं, अब मैंने कहा रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट यहां 50% मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का केस है, तो 50% ये और ये मिला के है ना, तो ये भी 25% गैमेट और ये भी 25% गैमेट। तो आप फिनोटाइप और जीनोटाइप पे क्या चर्चा करते हो कि यहां पर दोनों ही डोमिनेंट जीनोटाइप आया, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, यहां पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, तो अगर तुम यहाँ जीनोटाइप रेशियो बताना चाहोगे तो क्या बताना चाहोगे, अगर जीनोटाइप रेशियो तुम बताना चाहोगे तो 1:1:1:1 गैमेट का अभी गैमेट का फिर जैकोट का देख लेंगे बाद में, और फिनोटाइप बताना चाहोगे तो क्या बताना चाहोगे, ये तीनों भाई साहब डोमिनेंट फॉर्म लेके आएंगे क्योंकि सब डोमिनेंट आ गया, और ये भाई साहब क्या लेके आएंगे, रिसेसिव फॉर्म लेके आएंगे, तो यही ना बताना चाहोगे, और अगर ऐसा है फिर तो चलो, अगर ऐसा है जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो समझ गए क्या होगा, अब इस वाले केस का देख लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये जर्म सेल है, अब तुमको पता है मियोसिस में दोनों पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम प्लेट पर आएंगे अरेंज्ड होंगे, मतलब कि दो प्लेट बनेंगे, एक प्लेट पे इसका 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 इसका, अब किसका किसका हो सकता है वो आपको पता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैंने बना के दिखाया है आपको, रैंडम है, तो हो सकता है कि जर्म सेल से जो गैमेट बने वो चार टाइप के ही बनेंगे, पक्का है चार टाइप्स के गैमेट बनेंगे, सब बातें उसी को समझ में आएगा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेरा अच्छे से पढ़ा है क्लास, अब हो सकता है कि वो चार टाइप के गैमेट चार टाइप में,
तो चार टाइम का लिमिट कौन कौन है? तो हो सकता है जिधर कैपिटल ए वाला गया हो उधर ही कैपिटल सी वाला चला गया हो। हम बी का यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं, बोले ना हम ए और सी के बीच में स्टडी कर रहे हैं। जिधर कैपिटल ए वाला गया हो उधर ही सी वाला भी चला गया हो। ये लो कैपिटल ए और कैपिटल सी वाला चला गया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिधर कैपिटल ए गया हो उधर कौन गया हो? उधर स्मॉल सी गया हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिधर स्मॉल ए गया हो उधर कैपिटल सी गया हो उसके साथ, और जिधर स्मॉल ए गया हो उधर स्मॉल सी गया हो। ये पॉसिबिलिटी भाई साहब उसी को समझ में आएगा जो मेरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्रॉस को अच्छे से समझा था। ये एक अलग क्रोमोसोम पर है, ये एक अलग क्रोमोसोम पर है, ये 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 अलग क्रोमोसोम पर। इसीलिए तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था वो सब क्रॉस क्रॉस कराते। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या समझ में नहीं आया? आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं आप, क्या नहीं समझ में आया? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो मैं बोलू ना? हाँ सर, यहाँ जहाँ ए एंड बी को लेके चल रहे थे वहाँ थर्ड में कैपिटल बी और स्मॉल ए ना बनेगा क्या इसमें? हाँ थर्ड वाला में नहीं, ये नहीं, ये दूसरे वाले में इधर इधर हाँ कैपिटल बी स्मॉल ए। अच्छा 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 लीजिए, यहाँ मिस्टेक था, कैपिटल ए सॉरी कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल हाँ हाँ स्मॉल ए होगा, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था, स्मॉल ए होगा। वो समझ में आ गया, वही आपका भी डाउट था। आपका डाउट क्या है इधर? ये वाला नहीं, नहीं समझ में आएगा, पढ़ाई करते हैं घर से। जो घर पे पढ़ाई नहीं करता उसको समझ में नहीं आता है सर, घर पे पढ़ना पड़ता है इसके लिए। क्या जी ईरान ये बताया कि नहीं सेल में, वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट में क्रॉस करा के इतना अच्छे से बताए थे, और आप अगर पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो हम पिछला रिवाइज ही कराते रहेंगे आपको। हमको चैप्टर आगे खत्म करना है कि नहीं करना है? आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे भाई साहब, अभी कौन समझा इसको उतना बना के यार डायग्राम? मैं उतना डायग्राम बना के समझाऊंगा अब? ये सेल बना होगा मेटाफेज में, ये प्लेट बना होगा, ये प्लेट बना होगा, हो सकता है जिस प्लेट में ये वाला जिधर अरेंज हुआ होगा। मतलब आप पागल वागल हैं क्या? घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? इधर भी प्लेट बना होगा, वो प्लेट पर ये, भाई हम उतना बैक जाकर रिवाइज कराएंगे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हम संभव ही नहीं है उतना बैक, नहीं आया समझ में घर पे जाकर पढ़ाई के लिए। हाँ तो ये हम गेमिट बनाए, गेरा गेमिट, एक गेमिट, दो गेमिट, तीन गेमिट, चार गेमिट, चार टाइप के गेमिट यहाँ पे भी बन गए। चलिए चांसेस अगर चार टाइप के बने सबके 20-25% चांसेस है कि नहीं है? यस और नो? सबके 20 गेमिट, अभी गेमिट के चांसेस हम देखना 25% है। अब देखिए इस वाले केस को, आप देखिए इसमें आप जिस दो जीन के बीच में स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे भी जिस दो जीन के बीच में स्टडी कर रहे थे, तो देखिए इसमें भी दोनों डोमिनेंट फॉर्म लेकर आया है, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट फॉर्म लेकर आया है 25%। इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव फॉर्म लेके आया है, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव फॉर्म लेके आया है। इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उल्टा मैनर में, इसके उल्टा मैनर में, और यहाँ पे दोनों रिसेसिव। तो देखिए जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगी, फिनोटाइप भी सेम हो जाएगा उसी हिसाब से। तो बताइए जब गैमेट का अभी गैमेट का देखिए फिलहाल गैमेट का परसेंटेज सेम है कि नहीं? जेनेटिक और फिनोटिपिक रेशो वो आगे चल के प्रोड्यूस सेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब समझिएगा, अभी होल्ड कीजिए, अब आपको पता आप ऑफिस में उलझेंगे। पहले गैमेट का बताइए, आपको लग रहा है कि मतलब 25-25% जिस तरीके से इधर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में गैमेट बनता है वैसा ही इनकम्प्लीट लिंकेज में उसी परसेंटेज के साथ गैमेट बनेगा अगर इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो तो। क्योंकि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब ये 25% नहीं आएगा, उससे कम आएगा, और ये 25% नहीं आएगा उससे अधिक आएगा। अभी जो मैंने बोला समझ में आया? क्योंकि तब वहां पर क्रॉसिंग ओवर सारे जर्म सेल में नहीं होगा, और सारे जर्म सेल में नहीं होगा तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन आने की संभावना है, क्रोमेटिक एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा तो ये कम आ जाएगा, उसी तरीके से ये ज्यादा आ जाएगा ये कम आ जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो हमेशा 25-25-25 आता है, तो ऐसा इस टाइप से तब होगा जब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग डालना है, ये हेडिंग डालेगा
उसके बाद उसके नीचे आप ये लिखेंगे और उसी टेबल के नीचे सेपरेटली ये डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे और फिर एक गेमिट की परसेंटेज लिखेंगे, ये गेमिट है, लिख लीजिए गेमिट है, लिख लिया फोर टाइप गेमिट्स। अब इस दौरान आप क्या करेंगे, रेशियो आपको सेम बताना है, तो अभी छोड़िए आप, फिर ये बार आप 20-25% है ना, यही आपको सेम लग रहा होगा। अब आपको एक मूल बात बताते हैं जिसको लेकर बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर एक बात बताइए, आप गेमिट में परसेंटेज सेम दिखा दिए, आप सब कुछ अभी तक गेमिट में बात कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग में जा ही नहीं रहे हैं, एक बार पता है, आप कंप्लीट लिंकेज पढ़िए, इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़िए या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़िए, आप जब भी दो अलग अलग चीजों का अगर रेशियो का आप मैचिंग करा रहे हैं या किसी भी चीजों के दौरान आप रेशियो का स्टडी कर रहे हैं, इसी में तो हेल्पफुल होता है टेस्ट क्रॉस। और ये क्यों यूजफुल होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, आपने चार टाइप के गेमिट देखा अभी, किसमें, यहाँ इनकम्प्लीट लिंकेज में, आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ, गेमिट थोड़ी ना कैरेक्टर बनाता है, गेमिट थोड़ा कैरेक्टर बनाता है जो आप उसका फिनोटाइप देख के जीनोटाइप लिख सकते हैं, जीनोटाइप पता करेंगे फिनोटाइप से, गेमिट कैरेक्टर तो कौन बनाता है? ऑफस्प्रिंग। एक बात बताइए, अगर इसी तरीके से जैसे मेल में चार टाइप के गेमिट बने, अगर फीमेल में भी इसी तरीके से चार टाइप से बन जाए, तो आप सोच रहे हैं क्या होगा? आप सोच रहे हैं रेशियो कितना कॉम्प्लेक्स, और आप सोच रहे हैं आप स्टडी कर पाएंगे कि किसमें क्रॉसिंग ओवर कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या बता पाएंगे? मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर लिंकेज का स्टडी करना है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, कितना पेरेंटल कितना रिकम्बिनेंट, आपको एक तरफ के पेरेंट का सब कुछ कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। और उस दौरान अगर आप मेल का स्टडी कर रहे हैं तो आप मेल का इनकम्प्लीट लिंकेज का स्टडी कर रहे हैं तो फीमेल को ले लीजिए क्या टेस्ट क्रॉस के अकॉर्डिंग रिसेसिव, तो ये एक ही टाइप के गेमिट बनाएगी और फिर इसका गेमिट रेशियो डिसाइड नहीं करेगा, एक ही टाइप की है, इसका गेमिट रेशियो डिसाइड नहीं करेगा। तो जो ऑफस्प्रिंग में रेशियो आएगा ना, वो मेल के जो गेमिट चार टाइप के बने हैं ना, रेशियो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। बोलिए मैं समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? अगर आप चाहते हैं कि फीमेल के अंदर स्टडी करें हम इनकम्प्लीट लिंकेज या कोई भी चीज, तो आप इधर फीमेल ले लीजिए, कोई बात नहीं है, फिर आप टेस्ट क्रॉस ही कराइए, मेल को लीजिए होमोजाइगस रिसेसिव, और मेल अगर होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया टेस्ट क्रॉस है ये, तो मेल का एक ही टाइप का गेमिट बनेगा, वो डिसाइड नहीं करेगा कि रेशियो क्या होगा ऑफस्प्रिंग में, तो उस टाइम अब रेशियो कौन डिसाइड करेगी? फीमेल के जो चार गेमिट बने वो डिसाइड करेगी। और अगर आप इसी तरीके से आप अगर इनकम्प्लीट लिंकेज का स्टडी करेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम होगा तो जो चार टाइप के ऑफस्प्रिंग मिले होंगे, वो चारों टाइप के ऑफस्प्रिंग में जो रेशियो आएगा, अगर उसी तरीके से आप अलग करेक्टर के लिए स्टडी कर ले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेकर, तो डायबिट में स्टडी हो पाएगा, और दो पेयर एलिलिक भी डिफरेंट डिफरेंट जो आपस में तो डिफरेंट असॉर्टमेंट या तो लिंकेज हो करेंगे, तो आपको करेक्टर चेंज करना ही पड़ेगा। मगर आप अगर करेक्टर चेंज करके स्टडी कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो भी आपको चार टाइप के मिलेंगे अलग करेक्टर को लेकर, लेकिन फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ है कि यहाँ चार टाइप के गेम भी बने हैं 25-25%, ऐसा तब होगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा मैक्सिमम। बोलिए समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी इतनी बातों को नोट्स में लिखाना संभव नहीं है यार, इतनी बातें नोट्स में लिखाना संभव नहीं है। तो आप अभी तक एक बात गौर नहीं किए, जो हमारे नोट्स में भी ये लिखा होगा कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आता है, उसका वैल्यू 50% होता है जब टेस्ट क्रॉस के दौरान, आप बात गौर नहीं की नोट्स में, ये वर्ड टेस्ट क्रॉस, जब टेस्ट क्रॉस के दौरान गेमिट बनाने वाले सारे सेल में मियोसिस हो जाए, तो एक बात बताइए ना, टेस्ट क्रॉस के दौरान जो होमोजाइगस वाला होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर हो के ही क्या हो जाएगा? अरे होमोजाइगस है, मान लीजिए होमोजाइगस है, टेस्ट क्रॉस आप करा रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ रहे हैं, होमोजाइगस है, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्या फर्क पड़ता है? खूब करा लीजिए ना क्रॉसिंग ओवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक टाइप का गेमिट आएगा। लेकिन जब दूसरा टेस्ट क्रॉस बोला ना, वर्ड पसंद है टेस्ट क्रॉस, तो जो दूसरा इंडिविजुअल होगा अगर बोला 50% मैक्सिमम रिकम्बिनेशन आ रहा है, तो उस दौरान क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम ऑल जर्म सेल में, तो ऑल जर्म सेल में होने की वजह से 50% रिकम्बिनेशन आएगा। तो ये टेस्ट क्रॉस उस लाइन में क्यों लिखा, अब समझ में आया? टेस्ट क्रॉस क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि आप बिना टेस्ट क्रॉस के आप कैसे स्टडी कीजिएगा, नहीं कर सकते आप। अब दोनों का एक साथ स्टडी कैसे कीजिएगा? एगो को कॉन्स्टेंट कीजिए ना, तो एगो को कॉन्स्टेंट करने के लिए क्या करा लीजिए, वैल्यू में टेस्ट क्रॉस करा लीजिए, बस यही संभव है। तो बोलिए आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो आप क्या करेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हमारे इस मीटिंग का टाइमिंग समाप्त हो गया, जल्दी से इसका लीजिए फिर से।
इससे पहले कुछ नहीं है ले ना? लिया सर। चलिए इसका ले लिए। ये सर इसका ले लिया। इसका लीजिए। ले लिया इसका ये 25-25% ले केमी, ठीक है। और इसका भी ले लीजिए। आप अपने भाषा में अगर नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा इसमें, मैंने समझा दिया है आपको क्या लिखना है नहीं लिखना है। वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे मेरा, सुन सुन के अपने भाषा में लिख लीजिएगा, लेकिन सही लिखिएगा सुन सुन के। मैंने बस समझा दिया यहाँ पे टेस्ट को क्यों बोलते हैं, टेस्ट को क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इनकम्प्लीट लिंकेज का स्टडी करना है तो आप अच्छा बताओ अगर कम्प्लीट लिंकेज स्टडी करते तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनते हैं, यस और नो? दो टाइप के गैमेट बनते हैं। और ये तो एक तो हेट्रोजाइगस, इधर हेट्रोजाइगस आप लेके चल रहे हैं ना, अभी तो टेस्ट क्रॉस है ना। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या, एक एफ1 जैसा, एफ1 मतलब क्या, हेट्रोजाइगस, मंडल में एफ1 जैसा हेट्रोजाइगस, और एक तरफ होमोजाइगस रिसेसिव, तो एक तरफ आप हेट्रोजाइगस ले लीजिए। अगर कंप्लीट लिंकेज का केस है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हुआ, तो दो टाइप का गैमेट बनाया है। और इधर आपने होमोजाइगस ले लिया, एक टाइप का गैमेट बनाया है, तो 50-50% ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन 50-50% ऑफस्प्रिंग बनेगा आपको क्या, 50% का सॉरी सॉरी 100% ये जो गैमेट होगा और ये जो गैमेट होगा, अगर ये हेट्रोजाइगस है तो पैरेंट के ये भी पैरेंट के ये भी पैरेंट का ही कॉम्बिनेशन है ना। और अगर यहाँ पे पेरेंट, क्योंकि पेरेंट सुनेगा मेरा बात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सुनिए यहाँ पे ये टेस्ट क्रॉस है, अगर कंप्लीट लिंकेज का केस है, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस आपने लिया है और यहाँ पे होमोजाइगस आपने लिया है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस लिया है, कंप्लीट लिंकेज का केस है, आपने टेस्ट क्रॉस कराया है, तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे और यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो ये आ सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ सकता है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। बताइए ऑफस्प्रिंग पैरेंटल टाइप 100% है, 100% है कि नहीं? क्योंकि बताइए ये वाला ऑफस्प्रिंग इस पैरेंट के जैसा है और ये वाला ऑफस्प्रिंग इस पैरेंट के जैसा है, 100% पैरेंटल। अब तक आप गैमेट में देखते थे 100% पैरेंटल, इसको देख के बोलते थे, तो जो प्रभाव गैमेट का होगा वही प्रभाव जायगोट में होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग में होगा, तब होगा जब आप टेस्ट क्रॉस करा के देखेंगे, तब अदरवाइज आप रिजल्ट नहीं बता सकते और आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कंप्लीट लिंकेज नहीं कंप्लीट लिंकेज का। बोलिए बात सही है? अब देखिए मैं कह रहा हूं कि यहां तक तो आपको नोट्स में लिखना कंपलसरी है, अब इसके बाद आप चाहे तो लिखें, आप नहीं चाहे तो नहीं लिखें, आप जो भी लिखेंगे वीडियो सुनकर रोक रोक कर सुन सुन के रोक रोक कर सुन सुन के सही ढंग से सही चीज लिखेंगे। बात क्लियर है? यस सर। हमारे पास 6 मिनट टाइमिंग है, इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, इसको जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको और भी कुछ बातें करा देते हैं। स्लाइड क्या आपको ये सब देखने के लिए, ये सब लिखने के लिए आपको वीडियो देख के लिखना पड़ेगा या आप ये देख के क्या लिख लीजिएगा? वीडियो देख के लिखना, वीडियो में तो स्लाइड दिखेगा इसे भी दिखेगा, ऐसे डायरेक्टली लिखेगा तो तुक्का ही मार के लिखेगा, गलत गलत लिख लीजिएगा, वीडियो सुन के लिखेगा।